अगर आपने ओडेसिटी का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है और आपके पास इफेक्ट्स के अंदर वोकल रिडक्शन एंड आइसोलेशन वाला इफेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे वोकल रिडक्शन एंड आइसोलेशन वाला जो इफेक्ट है उसको कैसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है ओडेसिटी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्जन 3.6.1। सो अगर आपने ये वर्जन इंस्टॉल किया है या अगर आपने इससे प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल किया है और आपके पास इफेक्ट के अंदर वोकल रिडक्शन एंड आइसोलेशन वाला इफेक्ट नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है गेट AI इफेक्ट पे। आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली इसको डाउनलोड करना है ओपन विनो को। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो आपके पास यहाँ पर वोकल रिडक्शन एंड आइसोलेशन की जगह एक दूसरा इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन विनो AI इफेक्ट्स एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन विनो म्यूजिक सेपरेशन। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये सेम वही इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेपरेशन मोड्स, तो यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट एंड वोकल्स को अलग अलग कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर ड्रम्स, बेस, वोकल्स एंड अदर का भी ऑप्शन है। ठीक है, सो आप वोकल रिडक्शन एंड आइसोलेशन की जगह इस इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।